जमीन पर पैर नहीं, हौसले आसमान पर। लहरों से सीखा जीने का तरीका, समंदर की लहरों पर पैरों के निशान। स्विमिंग हमारी एक जिंदगी है, एक जुनून है। 2016 है, कनाडा में एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमने 6 नेशनल खेले हैं, 2 इंटरनेशनल खेले हैं और उसमें से हमने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल्स, 1 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल हमने अभी तक जो जीता है। 2017 है, अरब सागर में 36 किलोमीटर तैर कर रचा इतिहास। 5 घंटे 42 मिनट में जीत लिया अरब सागर। सारी सफलताएं, सब कुछ अपने डिपेंड मन पे किया जाता है। अब इंग्लिश चैनल को सत्येंद्र की चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उन मुश्किलों पर तकलीफों का मुस्कुराकर सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन कड़ी मेहनत और पक्के इरादे से सत्येंद्र ने उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है जो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बचपन से ही सत्येंद्र के पैर इतने कमजोर थे कि खुद का वजन भी वो नहीं उठा पाते थे। कुदरत ने भले ही सत्येंद्र के पैरों की कमजोरी हमेशा उनको परेशान वो करती रही हो, लेकिन बावजूद इसके सत्येंद्र ने अपने जज्बे से अपनी इसी कमजोरी से पार पाया और अब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 36 किलोमीटर के इंग्लिश चैनल को जुलाई में पार करने की तैयारी कर रहे हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। कुछ ऐसी ही करने की जिद ठानी मध्य प्रदेश के रहने वाले सत्येंद्र सिंह लोहिया ने। अपने पैरों पर ना खड़े हो पाने की दिक्कत के बावजूद सत्येंद्र सिंह ने तैराकी की दुनिया में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं और समंदर में 36 किलोमीटर तैरकर इतिहास रच दिया। सत्येंद्र ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने 75% दिव्यांग होने के बाद भी ये कामयाबी हासिल की। 36 किलोमीटर की लंबी दूरी सत्येंद्र ने 5 घंटे 42 मिनट में ही तय कर दिखाई। हमने ये सोचा था कि अभी तक जो हम स्विमिंग करते आ रहे थे तो पूल में जो मेरा जो पूल है उसमें 100 मीटर 50 मीटर का करते आ रहे थे, तो हमने ये सोचा कि अच्छा किया जाए कि जिससे एक प्रेरणा मिले समाज को और मतलब जीवन में कुछ हासिल करने के लिए एक समाज में इंस्पिरेशन मिले और हमसे कुछ, हम कुछ समाज को कुछ दे सकें। नेशनल चैंपियनशिप्स में 19 मेडल जीत चुके सत्येंद्र अब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 36 किलोमीटर के इंग्लिश चैनल को जुलाई में पार करने वाले हैं। कामयाबी का ये सफर सत्येंद्र के लिए आसान नहीं था, लेकिन जो लोग मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। और इसी जज्बे के साथ सत्येंद्र ने अपनी शारीरिक कमजोरी से कभी हार नहीं मानी। इस साल मैंने इंग्लिश चैनल के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से इनविटेशन लेटर आ चुका है और इसके लिए मैंने कहा कॉन्फिडेंस जागेगा, जिससे अपने में कॉन्फिडेंस आएगा। इंग्लिश चैनल जो 36 किलोमीटर है लंदन और फ्रांस के बीच, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इससे पहले बॉम्बे में स्विमिंग किया जाए। दरअसल सत्येंद्र ने जब इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने की बात खेल विभाग से कही तो उन्हें ये कहकर टाल दिया गया कि पहले बड़े तालाब में तैर कर दिखाओ। इसी बात को सत्येंद्र ने एक चैलेंज की तरह लिया और अरब सागर में तैरने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा सत्येंद्र ने नेवी से स्पेशल परमिशन भी ली। लोग कहते हैं कि दिव्यांग कुछ कर नहीं सकते, ये भी हम सोचते हैं लोग, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में बोला गया, हमने जब स्पॉन्सरशिप के लिए कि आप कैसे कर लोगे, तो मैंने की सोचा कि मैंने ये बोला कि मन से कुछ भी किया जा सकता है, जिसका मन कमजोर होता है तो उसी वो परिस्थितियां बन जाती हैं, अगर वही सोच मजबूत हो तो वही अवसर सामने बन जाती हैं।
मेहगांव तहसील के गाता गांव में पैदा हुए सत्येंद्र जब 2 महीने के थे उन्हें निमोनिया हो गया, जिसके बाद डॉक्टर की लापरवाही से उनके कमर के नीचे का हिस्सा बेजान हो गया। लेकिन बचपन में ही सत्येंद्र ने गांव के बाहर बैसली नदी में तैरना शुरू किया। 2014 में सत्येंद्र को मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम सम्मान से नवाजा गया। वाकई सत्येंद्र का ये हौसला काबिले तारीफ है, लेकिन फिलहाल अपने सपने को पूरा करने के लिए सत्येंद्र को मदद की जरूरत है, क्योंकि प्रतिभा के धनी सत्येंद्र एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जो इनकी हसरत है, ये चाहते हैं कि इंग्लिश चैनल को पार करें, और अगर ऐसा होता है तो ये पहले पैरा स्विमर होंगे जो इंग्लिश चैनल को पार करने में कामयाब हो पाएंगे, और अब तक भी मुंबई के समंदर में तैराकी करने वाले पहले ही पैरा स्विमर हैं। कई सारे पदक अपने नामों पर नाम इन्होंने किए हैं, लेकिन इनकी कोशिश यही है। इन्हें उम्मीद है कि दिव्यांगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनके इस सपने को साकार करने में उनकी मदद करती नजर आएगी। कैमरामैन प्रमोद गरुड़ के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।